सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई स्टूडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करे गए शो बैंडिडोज का। ये एक लाइक क्राइम एडवेंचर हाइस्ट ड्रामा कैटेगरी का शो है, जिसके अंदर आप लोग को जो मेन स्टोरी है वो ट्रेजर हंटिंग के ऊपर फोकस करती हुई देखने को मिलती है। अगर बात करें इस शो के लाइक मेन प्लॉट की, तो आप लोग को मिगेल, लिली एंड उसके साथियों के बीच में घूमता हुआ देखने को मिलेगा, जिनको अटलांटिक कोस्ट पर समुद्र के नीचे डूबे हुए एक जहाज के मलबे के अंदर पड़े खजाने की तलाश है। अब देखो, इनके इस सफर में इनको पता है कि अकेले इनसे कुछ होने वाला है नहीं, तो दैट्स व्हाई इनको कुछ बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते हैं लोग। लेकिन इनकी कहानी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इनको पता चलता है कि इस ट्रेजर हंटिंग के अंदर वो अकेले नहीं है। एंड उसके बाद इन लोग का जो भी लाइक एडवेंचर होता है एंड वो किस तरीके से अपने इस प्लान के अंदर सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर आप लोग को ये सब जानना है देन आप लोग को इस शो को चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप लोग को स्टोरी है वो इन्हीं सबके इर्द गिर्द शो के अंदर प्रेजेंट करी गई है। अगर मैं बात करूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस की, तो देखो भैया मेरे को तो शो देखने में मजा आया है। एंड इसका मेन रीजन ये है कि इस शो की जो स्टोरी है वो तो आप लोग को थोड़ी सी लाइक यूनिक वे में मेकर्स ने प्रेजेंट करी ही है, लेकिन अंडर वाटर हाइस्ट ड्रामा हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है, तो एक नया पॉइंट मेरे को इस शो के अंदर लगा था, जिसका एग्जीक्यूशन भी हम लोग को काफी अच्छी तरीके से लाइक शो के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें एपिसोड्स की, तो टोटल 7 एपिसोड हैं इस सीरीज के, लेंथ आप लोग को वही 40-50 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलती है, तो कोई बहुत लंबा शो मेरे को नहीं लगा। एंड अच्छी बात इस सीरीज की यह थी कि भाई हर एक एपिसोड के अंदर आप लोग को स्टोरी इस तरीके से एंड होती हुई देखने को मिलेगी कि आप लोग अगला एपिसोड प्ले करने पे मजबूर हो जाओगे। एंड शो की अच्छी बात यह थी कि हर एक एपिसोड में आप लोग कोई भी सीन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसको जबरदस्ती का खींचा गया हो, जिस चीज को जितना लाइक टाइम चाहिए था उतना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है आप लोग को, इसीलिए ये जो शो है वो काफी फास्ट पेस पर जाता हुआ देखने को मिलता है। अदर बिकॉज ऑफ कि ये शो जो है वो ट्रेजर हंटिंग के ऊपर बेस्ड है, तो दैट्स व्हाई इधर आप लोग को काफी सारे लाइक रनिंग शॉट तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन ओपन शॉट भी इस शो के अंदर बहुत सारे यूज करे गए हैं, जो कि लाइक खूबसूरत होने के साथ ही काफी अच्छी तरीके से फिल्माए भी गए हैं। तो दैट्स व्हाई इधर आप लोग को सिनेमेटोग्राफी हो गई या फिर आप लोग को कलर ग्रेडिंग के अंदर भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट इधर आप लोग को लाइक काम चलाओ कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। डबिंग इशू की परफेक्ट है, मेरे को डबिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं लगा, हर एक कैरेक्टर को उनकी परफेक्ट वॉइस मिली हुई है। सो अगर वीडियो के लास्ट में मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बोलूं इशू को लेकर, तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को ट्रेजर हंटिंग वाले शोज एंड मूवीज देखना पसंद है वो एक बार को इस शो के अंदर अपना टाइम दे सकते हैं। ए रेटेड शो है तो भाई फैमिली फ्रेंडली नहीं है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस शो को चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं शो को अपनी रेटिंग देना चाहूं तो मैं इसको दूंगा 4 out of 5 स्टार। बाकी आप लोग बताना अगर इस शो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।